एवरीवन, एजुकेशन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं, आप लोगों के लिए हेल्पफुल हैं, तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस के लिए आप एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ, क्योंकि मेरा जो चैनल है वो एजुकेशन से रिलेटेड है और एजुकेशन से रिलेटेड ही एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी। देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की कुछ वैकेंसीज निकली हैं और टोटल वैकेंसीज हैं 917 और ये जो इन वैकेंसीज से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है वो 9 जुलाई को जारी किया गया था, यानी कि कल ही ये वैकेंसीज आई हैं। तो आइए देख लेते हैं एक बार कि ये वैकेंसीज कहाँ से निकली हैं। तो ये वैकेंसी आई है यूपी से, यानी कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की तरफ से ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूं तो आप अप्लाई कर सकते हैं 9 जुलाई से ही, यानी कि कल से ही इनका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट इनकी रहेगी रजिस्ट्रेशन की 7 अगस्त। इसके अलावा एक या दो दिन आपको जो है कुछ फी या जो आपका पत्र सबमिट करना पड़ता है उसके लिए आपको एक या दो दिन एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है 9 जुलाई to 7 अगस्त है। अब बात कर लेते हैं फी की। देखिए, फी कितनी रहेगी एप्लीकेशन फॉर्म की। तो जो जनरल कैटेगरी के हैं या अदर स्टेट के जो लोग हैं उनके लिए 2000 है और जो एससी एसटी के लोग हैं उनके लिए 1000 रुपीज रहेगी एप्लीकेशन फी। अब बात करते हैं टोटल वैकेंसीज की। तो देखिए, वैकेंसीज है 917 और अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग वैकेंसीज हैं, यानी कि कितनी कितनी वैकेंसीज हैं यह आप डिटेल में देख सकते हैं। तो अंग्रेजी में 62 है, अर्थशास्त्र में 60 है, इतिहास में 25 है, कृषि अर्थशास्त्र में 3 है, गणित में 24 है, चित्रकला में 9 है, दर्शन शास्त्र में 10 है। हम अपने सब्जेक्ट पे आते हैं तो हमारा जो सब्जेक्ट है जिनसे रिलेटेड मैं वीडियो बनाती हूँ, बीएड और एमएड और एमए इन एजुकेशन से रिलेटेड मेरे चैनल पर आपको बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगी और साथ ही साइकोलॉजी से रिलेटेड। तो बीएड में 75 है, इसके अलावा भूगोल में 47 है, भौतिक शास्त्र में 40 है, मनोविज्ञान में 17 है, रसायन शास्त्र में 70 है। इसके अलावा कुछ और वैकेंसीज हैं, जैसे वनस्पति विज्ञान में 48, वाणिज्य में 49, शारीरिक शिक्षा में 13 है, शिक्षा शास्त्र यानी कि एजुकेशन में जो वैकेंसीज निकली हैं वो 25 है, संगीत सितार में 4 है, संस्कृत में 43 है, समाज शास्त्र में 42 है, सैन्य विज्ञान में 21 और हिंदी में 18 है। तो टोटल जो वैकेंसीज हैं वो है 917 और अलग अलग सब्जेक्ट वाइज डिटेल आप यहाँ देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी टोटल वैकेंसीज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वाइज। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट की अगर बात करूं तो 62 इयर्स तक के जो कैंडिडेट्स हैं, जो लोग हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। टोटल सैलरी देखिए टीएडीए वगैरह मिलाकर 65,000 to 70,000 के बीच में आप लोगों की सैलरी रहेगी। रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो जो सिर्फ यूपी के कैंडिडेट्स हैं वो ही एलिजिबल है रिजर्वेशन के लिए, अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, वो जनरल कैटेगरीज में अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बताया है मास्टर्स डिग्री विद 55% होना चाहिए, यानी कि आपके पीजी में 55% मार्क्स होने चाहिए, साथ ही आपका नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। लेकिन जो स्टूडेंट्स यूपी के हैं उनका नेट क्वालिफाइड नहीं है लेकिन उनका स्लेट या सेट क्वालिफाइड है, यानी कि सेट का मतलब होता है जो स्टेट लेवल का एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसकी बात कर रही हूँ, यूपी टेट या सुपर टेट की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। तो वो भी एप्लीकेबल है जिनका स्लेट या सेट क्वालिफाइड है, वो नेट के इक्विवेलेंट ही माना जाएगा। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक पॉइंट और है कि जिन लोगों ने 11 जुलाई 2009 से पहले अपनी पीएचडी की हुई है या एमफिल कंप्लीट किया हुआ है तो उनको एग्जेम्पशन दिया गया है, यानी कि उनको छूट दी गई है कि उनका नेट स्लेट या सेट अगर क्वालिफाइड नहीं है तो भी वो इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। कौन से कैंडिडेट, जिन्होंने 11 जुलाई 2009 से पहले पीएचडी या एमफिल किया हुआ है उनको एग्जेम्पशन दिया गया है। देखिए, मास्टर्स डिग्री विद 55% की बात की गई है जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। इसके अलावा रिलैक्सेशन दिया गया है 5% का, यानी कि जो एससी एसटी या फिजिकली डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको जो है 5% का रिलैक्सेशन भी दिया गया है। उनके अगर पीजी में 50% मार्क्स हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और अब हम बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की, यानी कि मोड ऑफ सिलेक्शन या चयन का जो आधार है वो क्या होगा। तो आपका रिटन प्लस इंटरव्यू होगा। तो जो रिटन होगा वो 200 मार्क्स का होगा और 30 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा, तो टोटल मार्क्स 230 होंगे। तो इनमें जो क्वेश्चंस होंगे वो 100 क्वेश्चंस होंगे, यानी कि 30 क्वेश्चंस जीके से रिलेटेड होंगे और जो 70 क्वेश्चंस होंगे वो आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट के होंगे, जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं। और जो 30 क्वेश्चंस जीके के होंगे वो 60 मार्क्स के होंगे
और जो 70 क्वेश्चंस है वो 140 मार्क्स के होंगे, यानी कि दो नंबर का हर क्वेश्चन होगा और यहाँ पर जो है कोई भी किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और जो रिटन टेस्ट होगा वो आपका प्रयागराज में होगा। इसके अलावा जो है कोई भी किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन जो है इंडिविजुअल को इंडिविजुअली नहीं दी जाएगी, यानी कि उसको लेटर वगैरह के द्वारा सूचित नहीं किया जाएगा, SMS, ईमेल या वेबसाइट के माध्यम से ही उसको अपडेट रहना पड़ेगा। और जो रिटन टेस्ट होगा उसका जो सिलेबस है वो आप ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर मैंने दोनों ऑफिशियल वेबसाइट्स का लिंक दिया हुआ है, उन पर जाकर आप चेक कर सकते हैं, यानी कि uphsc51.com पर आपको पूरा का पूरा PDF मिल जाएगा। इसके अलावा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी इस पूरे PDF को शेयर कर दूंगी, वहां से भी आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इनका लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। तो सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहां से आप इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप जाकर सिलेबस नाम से जो ऑप्शन होगा उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई क्योंकि मैं अपने चैनल पर जो वीडियोस डालती हूँ वो एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड है, यानी कि एजुकेशन, बीएड और साइकोलॉजी से रिलेटेड अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उनसे रिलेटेड वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी और डिटेल वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। आप एप्लीकेशन फॉर्म पक्का भरिए, जिनका नेट क्वालिफाइड है, सेट है, या जिन्होंने 2009 से पहले PhD कंप्लीट किया हुआ है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर मैं इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोज लाती रहती हूँ। और देखिए इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड किसी भी तरह के क्वेश्चन क्वेरीज आप लोगों के दिमाग में है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।